हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इस पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, ऑडिटिंग है, प्रेसवा मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, और भी किसी सब्जेक्ट पर आप हमसे क्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 43 क्वेश्चन हो गए थे, 41 क्वेश्चन लेते हैं अब। सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, मीन्स प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका जो सीमांत लागत विधि होती है, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर कि अवशोषण लागत विधि और सीमांत लागत विधि। तो वहाँ पर पूछ रहा है कि उसमें उत्पाद लागत जो होती है उसका क्या मतलब होता है, उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। केवल मूल लागत प्लस परिवर्तनशील परिव्यय, मूल लागत प्लस अर्ध परिवर्तनशील परिव्यय, मूल लागत प्लस स्थिर लागत। तो जो सीमांत लागत विधि होती है उसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक होती है प्राइम कॉस्ट, दूसरी हो जाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स यानी कि मूल लागत प्लस परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीमांत लागत को और भी तरीके से हम दिखा सकते हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्राइम कॉस्ट प्लस आल वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में आपको डिटेल में भी आ सकता है कि प्राइम कॉस्ट में कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। आपने पढ़ा ही होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपका टोटल कॉस्ट माइनस ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी आपका जो इक्वेशन है भी दे सकता है। टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड वर्क एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको भी लेस कर देंगे तो भी क्या निकल के आती है मार्जिनल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि लागत का अर्थ है पीरियड कॉस्ट, मींस प्राइम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवधि लागत का क्या अर्थ होता है, मूल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत या फिर कुल लागत। जो अवधि लागत होती है वो स्थिर लागत कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर डैश डैश के व्यवहार से संबंधित है। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग इज रिकॉर्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डैश डैश, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो सीमांत लागत विधि आपने पढ़ी होगी और अवशोषण लागत विधि पढ़ी होगी, तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है, मूल लागत, विदेश सामग्री, परिवर्तनशील उपरिव्यय या फिर स्थिर उपरिव्यय। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है स्थिर उपरिव्यय यानी फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से। आपने मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ी होगी यानी कि सीमांत लागत, तो उसमें किस तरह से निकाला जाता है, सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से क्या लेस होता है हम डिस्क करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट में कौन सी चीज़ें ऐड होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स। उसके बाद क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो हम प्रॉफिट तक पहुँचते हैं। और इसी तरह से जब ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग होती है यानी कि अवशोषण लागत विधि हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लास्ट में सकल लाभ में से प्रशासनिक और बिक्री व्यय को घटाकर शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आपके जो स्थिर व्यय होते हैं, स्थिर उपरिव्यय हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, इनमें ही चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दोनों में अंतर आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु वह है जहाँ बीपी इज दैट वेयर देर इज ए मिनिमम प्रॉफिट, देर इज ए मिनिमम लॉस, देर इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, देर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो आपसे पूछा जो समविच्छेद बिंदु होता है वहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम लाभ होता है, न्यूनतम हानि होती है, अधिकतम लाभ होता है, ना लाभ होती है और ना ही हानि। तो जो समविच्छेद बिंदु यानी बीपी पॉइंट होता है वहाँ पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर बीपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर, यहाँ पर समविच्छेद बिंदु की विशेषताएं ही दे रखी हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत। तो कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, सही है। समविच्छेद बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू होती है टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, इसीलिए इसे नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, बिल्कुल अंशदान जो होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होगा, आपको पता ही होगा कि जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं, कौन सी, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो जब जो है प्रॉफिट होता ही नहीं है बीईपी में, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी और उसके बाद ना लाभ होता है ना हानि। तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि इस बिंदु पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु रुपयों में बीपी इन रुपीस। तो यहाँ पर चार फार्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो बीपी होता है उसको निकालने का कौन सा सही फार्मूला होगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बुक में अपनी कि एक चीज़ जैसे बीपी है या पीवी रेशियो है, कंट्रीब्यूशन है, उसको निकालने के कई फार्मूलाज दे रखे हैं। तो अगर आप लोग उस पर भी एक कंबाइंड वीडियो चाह रहे हैं कि सारे फार्मूलाज की एक कंबाइंड वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊँ तो मुझे कमेंट करिएगा, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर बीपी का निकालने का जो फार्मूला होगा वो सही हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका फॉर्मूला आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस बीईपी। तो आपने पढ़ा होगा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है निकालते हैं उसे, तो क्या होता है बीईपी के ऊपर जितने भी बिक्री होती है, सेल होती है, वो सब क्या हो जाती है सुरक्षा की सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल्स माइनस बीईपी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करने के लिए कुल स्थायी लागत को डैश डैश से विभाजित किया जाता है। टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर जो समविच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर कुल स्थायी लागत जो होती है उसे किससे विभाजित करते हैं, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत से, प्रति इकाई स्थायी लागत से, पीवी रेशियो से या फिर प्रति इकाई अंशदान से। तो हम यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं बीईपी यूनिट्स में निकालने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर आपके फार्मूलाज को कवर किया है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर आएगी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन बी दे रखा है आपका एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, यहाँ पर एस से मतलब सेल्स से है और वी हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लागत में वृद्धि का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीईपी बाय द इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत बढ़ जाती है तो जो बीईपी का पॉइंट निकाला है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कमी आएगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा स्थिर लागत बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा बीईपी भी बढ़ जाएगा, उसमें भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।